आईपीएल 2024 का पहला मुकाबला सीएसके और आरसीबी के बीच खेला गया। आरसीबी ने टॉस जीता पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। विराट कोहली और डुप्लेसी की जोड़ी ने ताबड़तोड़ बैटिंग करी, 3 ओवर में 10 की औसत से 30 रन ठोक दिए। उसके बाद मुस्तफिजुर ने 5वें ओवर में 2 विकेट लेकर आरसीबी के खेमे में सनसनी फैला दी। पहले डुप्लेसी और उसके बाद रजत पाटीदार को अपना बनाया शिकार। उसके बाद 6वें ओवर में दीपक चाहर ने ग्लेन मैक्सवेल को 0 के स्कोर पे आउट कर दिया। 12वें ओवर में मुस्तफिजुर ने 78 के स्कोर पर पहले विराट और उसके बाद ग्रीन को अपना शिकार बनाया। उसके बाद दिनेश कार्तिक और अनुज रावत ने पारी को संभाला और एक सम्मानजनक स्कोर तक ले गए। लास्ट के 6 ओवर में 83 रन की साझेदारी की और अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। आरसीबी ने चेन्नई को 174 रन का लक्ष्य दिया। चेन्नई की ओपनिंग जोड़ी ने शुरुआत तो अच्छी करी पर 31 के स्कोर पर ऋतुराज के रूप में पहला विकेट गंवाया और उसके बाद 72 के स्कोर पर दूसरा विकेट गंवा दिया। उसके बाद एक बार फिर आया शिवम दुबे और जडेजा का तूफान और 8 गेंद रहते ही सीएसके ने अपनी पहली जीत हासिल करी। जैसे पिछले साल ख़त्म किया था वैसे ही शुरुआत करी। ये टीम नहीं रन मशीन है।